नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। दोस्तों, आज हम MI होम सिक्योरिटी कैमरा को कैसे अपने वेबकैम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आप मेरा ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो मैं MI होम सिक्योरिटी कैमरे से ही कर रहा हूं। तो वो मैंने पूरा कैसे सेटअप किया है उसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोस्तों अपना जो MI का होम सिक्योरिटी कैमरा है उसको पहले ऑन कर दिया है, यानी जैसे हम नॉर्मल उसको ऑन करते हैं ऐसे प्लग एंड प्ले कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में MI के कैमरे को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन ऐड की है, और वो एप्लीकेशन जो है वो ब्लू स्टैक करके एक एप्लीकेशन है जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये ब्लू स्टैक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने यहाँ पे MI का एक एप्लीकेशन ऐड किया है, और उस एप्लीकेशन को अंदर मैंने यहाँ पे मेरा जो कैमरा है उसको यहाँ पे लोड करवा दिया है। और इसको लोड करने के बाद मैं OBS में गया। यहाँ पे हम OBS में आ जाएंगे। OBS में मैंने यहाँ पे सेटिंग किया है सिंपल, यहाँ पे दो सीन ऐड किए हैं। एक सीन में जो भी मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है वो यहाँ पे दिखेगा, और दूसरे सीन में मैं यहाँ पे दिखूँगा जैसे अभी आप देख रहे हैं कैसे। तो यहाँ विंडो कैप्चर मैंने ऐड किया है। विंडो कैप्चर में मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लोड करवा दी है। विंडो की स्क्रीन में कौन सा रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो विंडो ब्लू स्टैक एप्लीकेशन जो है वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसका मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दिया है। यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया, और जैसे ही हम अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फुल स्क्रीन में वो दिखेगा, और यहाँ पर मैं आपको भी दिख रहा हूँ। तो ये वेब MI का जो कैम है उसी का भी आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। और जैसे ही मुझे यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में जाना है तो मैं यहाँ से सिंपल अपना सॉफ्टवेयर चालू करूँगा, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का डेमो आपको दे सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे MI 360 डिग्री होम सिक्योरिटी कैमरे का यूज़ करके कैसे हम लो बजट में अपने फेस कैम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कैसे हम OBS में हमारा एप्लीकेशन है OBS उसके अंदर हम कैसे हम कैमरे MI का जो कैमरा है उसको हम लोड कर सकते हैं, कैसे एक लो बजट पूरा स्टूडियो हम सेटअप कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे करने की ट्राई की है। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा एक जो सेटअप है, मैंने थोड़ा बहुत सोचा, दिमाग लड़ाया, और कुछ अगर आपको लगा है कि नहीं ये वीडियो थोड़ा काम में आया है आपके, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा। मैंने पूरा सेटअप कैसे किया है उसका पूरा आगे वीडियो ये कंटिन्यू रहेगा, कैसे मैंने ब्लू स्टैक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कैसे MI का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, कैसे उसमें कैमरा कनेक्ट किया, कैसे मैंने OBS में पूरा सेटअप किया, और पूरा इन डेप्थ वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।